हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्रिकेट ट्विटर में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेपाल और नीदरलैंड के बीच में होने वाले दूसरे ओडीआई मैच की। तो फ्रेंड, उससे पहले मैं आपको कल का रिजल्ट दिखा देता हूं, जो कि मैंने कल यहां पर बहुत ही अच्छा काम किया है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो, एक तो मेरा 34 रैंक आया यहां पर और सारी टीम मेरी अंदर है 2500 के अंदर, और एक टीम मेरी टॉप 50 के अंदर है, आप देख सकते हैं 34 नंबर। तो फ्रेंड, काफ़ी अच्छा रहा यहां पर। मैंने ताहिर को कैप्टन किया था दिमाग से, एंड यहां पर कोलिंगवुड को वाइस कैप्टन किया था, बट कुछ प्लेयर्स से मेरी यहां पर ग्रैंड लीग मिस हो गई, लेवी एंड कॉप से। तो फ्रेंड, कोई नहीं, आगे ग्रैंड लीग जीत जाएंगे। तो फ्रेंड, आपको देखते ही आप तो मुझे देखते ही होंगे, हर मैच में लगभग मेरा यही परफॉर्मेंस रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे दूसरे अकाउंट से कैंट और एसेक्स के मैच बीच में जो मैच होता है, 49 रैंक। फ्रेंड, 50,000 टीम्स में 49 रैंक एक मायने रखता है, आप कुछ भी बताओ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एडम मिल को मैंने कैप्टन किया एंड मैंने डैनली को वाइस कैप्टन किया। और फ्रेंड, सिर्फ 18 पॉइंट से मैं पीछे रह गया, क्योंकि यहाँ पर मेरा एक प्लेयर चला नहीं, वो था पोर्टर। अगर पोर्टर यहाँ पर कुछ चल जाता तो मेरा ऑब्वियसली टॉप 5 या टॉप 4 या मैं ग्रैंड लीग भी यहाँ पर विन हो सकता था। तो फ्रेंड, थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया और ब्लैक को रख दिया मैंने। ब्लैक की जगह अगर मैं डरमुड को रख लेता तो बात अच्छी हो जाती फ्रेंड, और मैं आसानी से यहाँ पर ग्रैंड लीग जीत जाता। तो फ्रेंड, आप लोगों को भी अगर मेरे जैसे यहाँ पर ग्रैंड लीग में रैंक अचीव करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि फ्री है बिल्कुल, जो स्मॉल लीग देता हूँ उसमें ग्रैंड लीग नहीं देता हूँ। तो आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, तो व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे बात करते हैं नेपाल और इसके मैच की प्लेइंग 11 की। तो फ्रेंड, पहली बात तो बता दूँ कि दो इस मैच में आपको हेड टू हेड खेलना या स्मॉल लीग खेलना भारी पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टीम कभी भी कैसा भी चेंज कर सकती है, दोनों टीमों में अलग अलग चेंज हो सकते हैं। तो आप मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे प्लेयर के साथ जाओ जो 100% खेलेंगे, जैसे कैप्टन हो गया, विकेट कीपर हो गया, जो चेंज नहीं होते हैं मोस्टली, तो आप उनके साथ यहाँ पर जा सकते हो। तो फ्रेंड, पहले तो आप यहाँ पर नेपाल टीम का आप स्क्वाड देख सकते हैं, ये नेपाल टीम का स्क्वाड रहा और ये नीदरलैंड टीम का स्क्वाड रहा। तो फ्रेंड, नेपाल टीम की जो मैंने प्लेइंग 11 बनाई है आपको बता देता हूँ, और ये भी बोल दूंगा कौन सा प्लेयर 100% खेलेगा। जयेंद्रमाला 100% खेलेगा, अनिल शाह 100% खेलेगा, पारस खड़का कैप्टन है वो तो खेलेगा ही, दीपक सिंगारे 100% खेलेगा, आरिफ शेख या रोहित कुमार पोडल में से कोई एक खेलेगा, इरशाद वासवकर एंड रोहित में से कोई एक खेल सकता है, सोमपाल कामी 100% खेलेगा, रैगमी खेल सकता है 80%, शक्ति गोचान या ललित में से कोई एक खेलेगा, कैसीकरण खेलेगा और संदीप लमिचाने 100% खेलेगा। यहाँ पर नीदरलैंड की बात करते हैं, मैकडोल या बरट में से कोई एक खेलेगा, मेबर्क 100% खेलेगा, कूपर बरासी रिपन 100% खेलेंगे, ठीक है, रिडे एंड ओवरजिक में से कोई एक खेल सकता है, स्कॉट एडवर्ड 100% खेलेंगे, सिलार मकलिन सेंटर एंड क्लासिन 100% खेलने वाले। तो ये रहेगी इनकी प्लेइंग 11। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो मैंने टीम बनाई है आज के मैच के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर जाऊँगा, ये मेरा टीम प्रीव्यू रहा, इस मैच के साथ जाऊँगा इस टीम के साथ। तो एडवर्ड को कैप्टन करूँगा फ्रेंड, वो बिल्कुल सेफ है, और उन दोनों उनमें दो विकेट कीपर हैं इनके नेपाल के, तो वहाँ पर से दो कोई में से एक खेल सकता है। यहाँ पर जयेंद्रमाला खेलेंगे 100%, बरासी खेलेंगे, बेस्ट लीडर में 100 नहीं बोलूँगा फ्रेंड, इसको मैं 80% बोलूँगा, पिछले मैच में थोड़ा चले नहीं थे, बट यहाँ पर एक विकेट लिया था, बॉलिंग भी कर लास्ट ओवर किया था, तो यहाँ पर बेस्ट लीडर को आप ले सकते हैं। यहाँ पर रिपन 100%, कारा ये खड़का खेलेंगे, दीपक सिंह अरे 100% खेलने वाले इस मैच में। तो फ्रेंड, आप यहाँ पर क्रासिन को ले सकते हैं, सिलार को ले सकते हैं एंड लमिचाना रैगमी। तो फ्रेंड, यहाँ पर थोड़ा मैं एडिट करूँगा, एक मिनट, थोड़ा यहाँ पर मैं कैप्टन गलत हो गया, यहाँ पे करूँगा रिपन को कैप्टन। तो फ्रेंड, यहाँ पे रिपन को मैं कैप्टन कर दिया एंड मैंने यहाँ पे खड़का को मैंने वाइस कैप्टन कर दिया। तो फ्रेंड, ये मेरी टीम रहेगी इस मैच में, ओके। और अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ फ्रेंड, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल बता दूंगा, कई बार मेरी फाइनल टीम यूट्यूब पर होती नहीं, तो आप प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक ले लेना फ्रेंड वहाँ पर से, तो आप मेरे उसमें जुड़ जाना, और फाइनल टीम करके अगर होता है कुछ तो मैं आपको बता दूंगा, वरना फिर ये मेरी फ्रेंड फाइनल टीम रहेगी, ओके। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिएगा फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ओके फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक।